34 साल बाद फिर सुर्खियों में आया गांव कपूरी चुनाव के चलते नेताओं ने किया रुख गांव की ओर। उच्चतम न्यायालय के SYL नहर मामले में आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने स्थान पर धरना देने का बनाया कार्यक्रम। अपना पंजाब पार्टी ने आम आदमी पार्टी के धरने से पंजाब की शांति को बताया खतरा। 1982 में अकाली दल ने नहर बनने के खिलाफ कपूरी मोर्चा लगाया था। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह, गुरप्रीत घुग्गी, HS फूलका और अन्य कार्यकर्ता गांव सराड़ा कलां में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ धरना देने पहुंचे। दूसरी ओर अपना पंजाब पार्टी के स्पोक्समैन जोगा सिंह चपड़ ने अपने साथियों के साथ SDM राजपुरा को एक ज्ञापन दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी के इस धरने से हलका घनौर और पंजाब में 1982 में कपूरी मोर्चे के बाद जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई, जिसमें पंजाब के लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा था। जोगा सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने पूरे विधायकों के साथ पार्लियामेंट के सामने धरना लगाए, जिससे दिल्ली सरकार के पानी के प्रति रुख स्पष्ट हो सके। आम आदमी पार्टी के उक्त धरने से हलका घनौर के लोगों ने दूरी बनाना ही बेहतर समझा। ये धरना इस करके रखा कि दोनों रवायती पार्टियां दे आगू जिहड़े बेईमान सीगे, जिन्हां ने केवल सियासी रोटियां सिक्कियां SYL नहर मामले ते, उन्हां दा पर्दा फाश हो चुका। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कि उन्हां ने कल्या ने इस्तीफा दिता, उन्हां दे दो लोक सभा दे मैंबर्स ने ते तीन उन्हां दे राज्य सभा दे मैंबर्स ने, वह क्यों इस्तीफा नहीं नाल दिंदे? असल गल इह आ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहला ही मन बनाया होया सीगा, क्योंकि वह मुख्यमंत्री बनने लई बहुत काले ने पंजाब दे। उन्हां के कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर दे सांसद वजों कभी अमृत कभी पार्लीमेंट तक गए ही नहीं गए, मेरा ख्याल उन्हां दी हाजिरी 3% आ, ता उन्होंने इस्तीफा काटे ते खेड़ा ज्यादा छुड़ाया। राजपुरा से जाट टीवी न्यूज के लिए भारत सूद की रिपोर्ट।